नमस्कार दोस्तों, गीता ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और मेरा काम पूरा फिनिश हो चुका है और मैं नहा धो के और ये वाला साड़ी पहना है। मैंने आज ये वाला साड़ी पहना है, कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए पहले मैं बना लेती हूँ नाश्ता अपने लिए। आलू के पराठे खाऊंगी और फिर उसके बाद में मैं आप लोगों से मिलूंगी और मैं अपना फाइनल लुक दिखाऊंगी साड़ी का। तो वीडियो में कंटिन्यू रहिए, अच्छा लगता है तो अंगूठा छापिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और वरना मत कीजिएगा। और बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा थोड़ा सा। और आपके लाइक से ना मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, तो मैं मोटिवेट हो जाती हूँ आपके लाइक से। बाकी और कुछ ऐसा नहीं कि अर्निंग वगैरह होती है और कुछ होता है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए पहले बना लेते हैं पराठे, फिर नाश्ता करती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक रहिए। तो इधर मैं चाय रख देती हूँ, उसमें दूध था तो मैंने उसी में चाय पत्ती वगैरह और चीनी वगैरह लगा दिया था, क्योंकि आलू के पराठे के साथ चाय बहुत अच्छी लगती है मुझे। आप लोगों को किसको लगती है कमेंट करके बताइएगा। तो पत्ती डाल दी है, चीनी डाल दी है, अदरक नहीं थी मेरे पास तो अदरक नहीं डाला है। नॉर्मल सी चाय आलू के पराठे के साथ, और आप लोग भी खाइएगा। और कि कौन कौन किसको किसको आलू के पराठे पसंद है कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो बहुत पसंद है और जब मुझे जहाँ तक लगता है सभी को पसंद होते हैं। और वीडियो में लास्ट तक रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक रहिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगता है तो, और नहीं अच्छा लगता है तो मत कीजिएगा, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना ज़बरदस्ती नहीं है कि आप लोग सब्सक्राइब करें। अच्छा लगता है तो, और आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं, मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ही मतलब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इधर मैं मतलब अच्छे से पराठे बना लेती हूँ, चाय बन रही है तो इधर वही है। इधर अगर मैं थोड़ा सा कैमरा इधर लगा रही थी तो इधर नहीं दिख रहा था, तो फिर इसीलिए फिर मैंने जैसा लगाया वैसा ही चलने दो, बस पता तो है कि मैं बना रही हूँ। तो यही सब है और कुछ नहीं है, इसी तरीके से पराठे वगैरह बना लेती हूँ। और फिर आप लोग लास्ट तक रहिएगा, कंटिन्यू वीडियो देखिएगा पूरा, एकदम अच्छे से इन्जॉय कीजिएगा। तो मैं गैस को थोड़ा सोच रही थी आगे बढ़ा लेती हूँ और उसके बाद में आप लोगों को शायद दिख जाए पराठा, लेकिन नहीं दिखा था। फिर मैंने क्या काम किया, कैमरा को जो ना थोड़ा सा वैसे कर दिया है और आलू जो ना सुबह पोड़ के रख दिया था, और उसके नहा धो के काम ख़त्म करके उसके बाद में दो वीडियो मैंने शूट किए, एक वीडियो जो है ना दूसरे चैनल पर डाला, एक वीडियो इस चैनल के लिए शूट किया है। आप लोग समझ सकते हो, दो वीडियो शूट करना दो दो चैनल पे मतलब बहुत मुश्किल हो जाती है, लेकिन क्या करूँ, जितना मेरे से होता है उतना करती हूँ, उतना मैं आप लोगों के साथ मतलब दिखाने की कोशिश करती हूँ अपनी लाइफ स्टाइल। और आप लोगों का मतलब आप लोग मुझे समझ सकते हैं, मैं आप लोगों को समझती हूँ, क्योंकि जब मेरा वीडियो नहीं जाता तो काफ़ी सारे मेरे व्यूवर्स जो ना मेरे को मैसेज करने लगते हैं, कोई कमेंट करने लगता है, कोई दीदी बोलता है, कोई भाभी बोलता है और कोई बहन बोलता है, कोई मतलब कुछ भी बोलता है। पर जितने भी लोग मतलब मुझे बोलते हैं, पर मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं इज्जत और सम्मान, दीदी बोलने से भी इज्जत सम्मान मिलता है, भाभी बोलने से भी इज्जत सम्मान, क्योंकि अपने खुद के देवर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं भाभी, तो ऐसे ही मतलब दूसरे लोग भी बोल देते हैं तो उसमें बुरा नहीं लगता है मुझे, कोई बात नहीं, रिस्पेक्ट मिल रही है बस। और कुछ लोग गीता बोलते हैं, वो भी मेरे को अच्छा लगता है कि मेरे हमजोली हैं, नहीं दीदी ये भाभी बोलना चाहते हैं, फ्रेंड के हिसाब से गीता बोले, कोई गीता जी बोलता है, गीता मैम बोलता है, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि रिस्पेक्ट दे रहे हैं। रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी होती है। तो यही है, और
इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बेल लेती हूँ, फिर इसमें आलू भर देती हूँ। और यही है मेरी रूटीन और यही है वीडियो, में लास्ट तक ज़रूर रहिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला था और बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो इधर मेरा पराठा और चाय बन के तैयार है, मैंने छान लिया है और थोड़ा सा अचार ले लेती हूँ मैं, और फिर चलती हूँ खाने। फिर मैं आप लोगों को खाते टाइम मिलूँगी और उसकी बाद फिर मैं आप लोगों से खाना खाने के बाद भी मिलूँगी। मैं अपना पूरा लुक फाइनल साड़ी जो मैंने घर में कैरी की हुई है, मतलब घर में जो मैंने पहना हुआ है साड़ी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आजकल सर्दियों में मैं ना डेली डेली ही साड़ी पहनती हूँ, वैसे तो मैक्सी और सूट नहाने के बाद मैं मतलब साड़ी ही पहन लेती हूँ। तो इधर मैं आ गई थी खाना खाने, खाना खा रही हूँ और खाना खाने के बाद फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से, बाद में लास्ट में बात करती हूँ, पहले मैं खाना खा लेती हूँ, बस इतना ही आप लोगों को दिखाना। नमस्कार दोस्तों, गीता ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आप लोगों को स्माइल से और आवाज़ से पता चल गया होगा कि मैं अच्छी हूँ। और लाइट नहीं है, थोड़ा सा अंधेरा है, वहीं पे वीडियो बन रहा है, रूम में ही बन रहा है। लेकिन उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, और अगर पसंद आएगा तो ही लाइक करिएगा, वरना मत कीजिएगा। और उम्मीद तो मैं करती रहती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा, और लेकिन फिर भी आप लोगों के ऊपर डिपेंड है आप लोगों को पसंद आता है या नहीं। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें आप तक हमारे वीडियो नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। तो आज एक क्या बोलते हैं, हाँ, ऐसे साड़ी ब्लॉग लेकर आई हूँ आप लोगों के साथ। नो मेकअप कुछ नहीं है आज, बस मैं नाश्ता बनाई हूँ, नाश्ता दिखाई हूँ आप लोगों को, वो भी देखिएगा। और उसके बाद में नाश्ता कर रही हूँ मैं, वो दिखाया है मैंने, और फिर उसके बाद में थोड़ी सी आप लोगों के साथ बैठ के बात कर लेती हूँ और फाइनल इस साड़ी का लुक दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखा देती हूँ साड़ी का। मैंने कैसी साड़ी पहनी हुई है, सिंपल नॉर्मल सी, और ये हल्का फुल्का लिपस्टिक लगाया, बिंदी सिंदूर वो भी आज नहीं है क्योंकि तेल लगा हुआ है बालों में, सोच रही हूँ बाल धोने का, लेकिन धोई नहीं आज, तो कल गुरुवार है, गुरुवार को धोना नहीं है मुझे, और शुक्रवार को धोना है, तो बाल शुक्रवार को धोऊंगी तो तभी सिंदूर लगाऊंगी। अभी तेल लगा है तो सिंदूर हट गया है, और तेल में सिंदूर लगता भी नहीं है पूरे बालों में, फिर हो जाता है अच्छा नहीं लगता, तो फिर इसलिए मैंने नहीं लगाया। तो चलिए दिखा देते हैं हम आपको फाइनल लुक अपना, और आई हो आपको वीडियो पसंद आएगा तो दोनों चाप दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए चलते दिखा देते हैं।
वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो में अच्छी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता की, थैंक यू सो मच, टेक केयर और बाय बाय।